आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 21 सितंबर से ताजमहल और आगरा किला खोले जाने के निर्देश हो चुके हैं। दोनों विश्वविद्यालय स्मारकों को खोले जाने के बाद पर्यटन जगत में उत्साह का माहौल है। हालांकि 1 सितंबर से आगरा के अन्य स्मारक फतेहपुर सीकरी, एतमादौला, सिकंदरा समेत 6 स्मारक खोले जा चुके थे। 21 सितंबर से ताजमहल और आगरा किला खोले जाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। दोनों विश्वविद्यालय स्मारकों के खोले जाने के बाद पर्यटन जगत में उत्साह का माहौल है। हालांकि 1 सितंबर से आगरा के अन्य स्मारक फतेहपुर सीकरी, एतमादौला, सिकंदरा समेत 6 स्मारक खोले जा चुके थे, लेकिन मोहब्बत के मकबरे के दीदार के बगैर पर्यटकों की रुचि आगरा के लिए कम ही हो रही थी, इसी का नतीजा है। कि ताजमहल करीब से न सही लेकिन दूर से दीदार की ख्वाहिश पर्यटकों की संख्या में बाग पर बढ़ गई थी। अब जब दोनों स्मारक खोले जाने के निर्देश जारी हो गए हैं तो पर्यटकों के साथ पर्यटन उद्यमियों में भी उत्साह है। इन सब के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो है संगमरमरी इमारत के दीदार के दौरान वो गाइडलाइंस, जिसका पालन करना बेहद जरूरी होगा। सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते स्मारकों के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, जिसके अनुसार ताजमहल पर एक दिन में 5,000 एवं आगरा किला में एक दिन में 2,500 पर्यटक भ्रमण कर सकते हैं। SOP में तय किए गए ये नियम। स्मारकों में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ ही राज्य व जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। स्मारकों में प्रवेश केवल ई टिकट से मिलेगा। पार्किंग समेत सभी भुगतान डिजिटल पेमेंट से करने होंगे। पर्यटकों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। उनके लिए मास्क और फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। पर्यटकों को स्मारकों में प्रवेश देने से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना लक्षण वाले पर्यटक ही ताज और लाल किला में प्रवेश पा सकेंगे। स्मारकों में प्रवेश, निकास और परिसर में भ्रमण को निर्धारित रूट बनाया जाएगा। ये रूट वन वे होगा। ASI किसी भी स्मारक के आंतरिक भाग में प्रवेश रोक सकेगा। पर्यटकों को स्मारक में निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा। कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि स्मारक में कहीं भी ग्रुप फोटोग्राफी अनुमति नहीं होगी। अग्रिम आदेश तक स्मारक में साउंड एवं लाइट शो आयोजित नहीं होंगे। वैध लाइसेंस धारक गाइड और फोटोग्राफर ही स्मारकों में काम कर सकेंगे। स्मारकों में खाने का सामान नहीं ले जाया जा सकेगा। भीड़ प्रबंधन को तय की गई पर्यटकों की संख्या। स्मारकों में भीड़ प्रबंधन को ASI द्वारा पर्यटकों की संख्या तय कर दी गई है। सुबह व दोपहर की पालियों में पर्यटकों को बांटा गया है। ताजमहल में दो पालियों के लिए पर्यटकों की संख्या 2,500-2,500 निर्धारित की गई है। इसी तरह आगरा किला के लिए पहली पाली में 1,200 और दूसरी पाली में 1,300 और फतेहपुर सीकरी में ये संख्या 1,000 और 1,000 तय की गई है। टिकट वाले अन्य स्मारकों में ये संख्या 1,000-1,000 ही रहेगी। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।